अगर आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपके सारे ग्रेस मार्क से संबंधित सारे डाउट्स होंगे क्लियर। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही डालिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि थ्योरी में पास होने के लिए कितना प्रतिशत मार्क चाहिए, वहीं प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियरली है कि 30% मार्क चाहिए आपको थ्योरी में पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है उसमें पास होने के लिए आपको 40% मार्क चाहिए। तो चलिए इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे आप साइंस सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम देते हैं, क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो तो आप लोग जानते ही हो कि 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 मार्क के होते हैं जिसमें आप 80 मार्क के लिए एग्ज़ाम देते हैं और 20 मार्क के लिए आप प्रैक्टिकल देते हैं। तो देखिए 80 मार्क में पास होने के लिए आपको 30% मार्क चाहिए, और वहीं ये जो 20 मार्क का प्रैक्टिकल पोर्शन है इसमें जो है कि आपको 40% मार्क चाहिए पास होने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो 80 का जो है 30% आपको हो गया 8 या 24, वहीं 20 मार्क का जो प्रैक्टिकल होता है उसका 40% आपको 8 मार्क हो गया, तो 24 8 कितना हो गया 32, यानी 32 मार्क आपको चाहिए साइंस सब्जेक्ट में पास होने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए 300 मार्क, सेकेंड डिवीज़न के लिए 225 मार्क चाहिए। अब जो है कि ग्रेस मार्क कैसे मिलता है, किन परिस्थिति में मिलता है, तो इनका जो रेगुलेशन है यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर है कि 8% मार्क, यानी आप किसी एक विषय में 8 मार्क से जैसे फेल है तो आपको 8 मार्क मिल जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। यानी आप दो विषय में फेल हैं यानी 4-4 मार्क से फेल है तो आपको बांट दिया जाएगा 8 मार्क, यानी डिवाइड करके 4-4 मार्क दे करके आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये रेगुलेशन है। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न, अगर आप 5 मार्क से छूट रहे हैं फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न के लिए तो आपको 5 मार्क दिया जाएगा। ये रेगुलेशन 5 में देख सकते हैं, इफ़ ए कैंडिडेट इज शॉर्ट ऑफ मिनिमम एग्रीगेट मार्क प्रेस्क्राइब्ड फॉर फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न बाय 5 मार्क्स या लेस। तो देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट है जैसे 220 मार्क उनको आ गया है, वह 5 मार्क से वह छूट रहा है, तो उनको 5 मार्क जो है ग्रेस मार्क दे करके उनको सेकेंड डिवीज़न कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर उनको 295 मार्क आ गया है तो 5 मार्क का ग्रेस मिलेगा और 300 मार्क हो गया, इस प्रकार से वह फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। तो देखिए यही रेगुलेशन है। अगर यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक नहीं मारे तो मार ही डालिए, शेयर नहीं किया है तो कर ही डालिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।